अगर माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जिसमें एक कॉमन और सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो हम देखते हैं उसको हम रिसेस डिजीज़ कहते हैं। अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और अगर शोहर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो तो इसमें माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप कई दफ़ा डिफरेंट हो जाता है। माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो तो उसमें जो माँ का मुदाफ़ती निज़ाम है वो बच्चे के ब्लड के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है, जो कि बच्चे के खून के अंदर जो सुर्ख खुलिए जिनको हम रेड सेल्स कहते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इस अमल की वजह से बच्चे के अंदर जो दो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसमें एक तो अनीमिया जिसमें खून की शदीद कमी और दूसरा जॉन्डस जिसमें यरकान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन दो कॉम्प्लिकेशंस को हम रिसेस डिज़ीज़ कहते हैं और अगर इसकी ट्रीटमेंट बरवक्त ना की जाए बच्चों में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ब्रेन डैमेज हो सकता है और कुछ सीरियस केसेस के अंदर बच्चों की जान भी जा सकती है। रिसेस डिज़ीज़ जिन बच्चों में होती है उसमें ज़रूरी है कि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद उनको NICU में दाखिल किया जाए और एक प्रॉपर क्लिनिकल असेसमेंट और कुछ ब्लड टेस्ट किए जाएं। कुछ बच्चे जिनमें माइल्ड रिसेस डिज़ीज़ होती है उनको हम फोटोथेरेपी के ज़रिए ट्रीट करते हैं, जिसमें हम न्यूबॉर्न बेबीज़ को ब्लू लाइट के ज़रिए ट्रीट करते हैं और उससे उनका जॉन्डस लेवल जो है वो कम हो जाता है। कुछ जो सीवियर केसेस हैं रिसेस डिज़ीज़ के उसमें बच्चों का ब्लड चेंज करना पड़ता है, जिसमें हम एक कैथेटर के ज़रिए ब्लड देते हैं और दूसरे कैथेटर के ज़रिए ब्लड निकाल देते हैं। इस प्रोसीजर को हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहते हैं और एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जो कि सिर्फ ट्रेंड जो प्रोफेशनल्स हैं वो दे सकते हैं, लेकिन ये एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है उन बच्चों के लिए जो कि सीवियर रिसेस डिज़ीज़ से अफेक्ट होते हैं। रिसेस डिज़ीज़ से जो प्रिवेंशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज से तकरीबन 20-25 साल पहले इसकी कोई प्रिवेंशन नहीं थी और जो बच्चे अफेक्ट होते थे उनको हमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन फोटोथेरेपी के ज़रिए ट्रीट करना पड़ता था और कोई प्रिवेंशन नहीं थी, लेकिन पिछले 2 दहाइयों से एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसको हम NTD इंजेक्शन कहते हैं और वो तमाम ख़वातीन जो कि जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो उनको प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के 72 आवर्स के अंदर ये इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से या तो अगले जो बच्चे हैं वो अफेक्ट नहीं होते रिसेस डिज़ीज़ की वजह से, और या अगर वो अफेक्ट हों भी तो उनमें जो बीमारी की शिद्दत है वो बहुत कम होती है। NTD इंजेक्शन जिसका मैंने जिक्र किया, इसके अलावा जो एक और बीमारी है जो कि कई दफ़ा न्यूबॉर्न बेबीज़ को अफेक्ट करती है वो है तशन्नुज, जिसको हम न्यूनेटल टेटनस कहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि टेटनस के हिफाजती टीके प्रेगनेंसी के 7th और 8th मंथ के अंदर 2 इंजेक्शन जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि वो लगवाए जाएँ। वो आप किसी भी जो गवर्नमेंट के हिफाजती टीकों के मराकज़ हैं वहाँ से लगवा सकते हैं या जो आपके लेडी डॉक्टर हैं वो आपके लिए अरेंज कर सकती हैं। बच्चे के लिए जो सबसे बेस्ट मिल्क है वो माँ का दूध है, इसलिए मेरी तमाम जो ख़वातीन हैं उनसे गुजारिश है कि हमल के दौरान ही आप अपने आप को ज़हनी तौर पे उस तरीके से तैयार करना शुरू कर दें कि आपने सिर्फ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे प्रेगनेंसी के दौरान और हमल से पहले कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हो विद इन 30 to 60 मिनट्स जो पहली फीड है वो माँ के दूध की होनी चाहिए, तो माँ का दूध सबसे बेस्ट है। और जितना आप अपने बच्चों को बॉटल फीड से और फार्मूला मिल्क से दूर रखेंगे आपके बच्चे उतने ही ज़्यादा सेहतमंद होंगे। कई दफ़ा हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक होती है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, अल्ट्रासाउंड स्कैन्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ब्रीदिंग की या रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, और ये रिससिटेशन सिर्फ जो पीडियाट्रिशियंस हैं या न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि डिलीवरी एक ऐसी जगह करवाई जाए जहां पे अगर आपके बेबी को किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो टाइमली मैनर में प्रोवाइड की जा सके।